नमस्कार आदाब, मैं हूं मुकुंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक का डेली राउंडअप शो। सबसे पहले देखते हैं आज की प्रमुख सुर्खियां। वायुसेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य 11 लोगों की मौत। किसान आंदोलन केस वापसी, परमानी सरकार, मुआवजे और MSP पर अटका है मामला। सुधा भारद्वाज के बेल ऑर्डर में NIA कोर्ट ने तय की शर्तें। वर्ल्ड इनक्वालिटी रिपोर्ट ने बताया भारत में बढ़ रही है आर्थिक असमानता। अंत में देखिए कोरोना अपडेट, देश में 24 घंटे में आए 8,000 से ज्यादा नए मामले। अभी की ताजा खबर के मुताबिक रक्षा प्रमुख अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को ले जा रहा भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर तमिलनाडु कुल्लूर के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और इस मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि इस हादसे में CDS प्रमुख जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी सहित 11 जवानों की मौत हो चुकी है। इस मामले के लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अफसोस जताया है। इस पूरे घटना को लेकर मुख्य तौर पर खराब मौसम को कारण बताया जा रहा है, खासकर कोहरे को। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नियुक्त कर दी गई है, जो इस पूरे मामले घटनाक्रम की जांच करेगा। और बाकी खबरें देखिए हमारे स्टूडियो से। अब बात किसान आंदोलन की। सरकार किसानों के 3 कानूनों की वापसी के आगे की मांगों को भी लेकर सहमत नजर आ रही है। सरकार ने किसानों पर लगे मुकदमों को वापस लेने का फैसला ले लिया है, मगर अभी भी मुआवजे और MSP की कमेटी में SKM की भागीदारी पर मामला अटका हुआ है। इससे पहले सरकार पराली जलाने वाले किसानों पर अपराध का मामला ना दर्ज करने पर मान गई थी। हालिया अपडेट में यह कहा जा सकता है किसान आंदोलन 1 साल के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने पर सरकार मान गई है। 2018 में एल्गार परिषद भीमा कोरेगांव मामले में जेल में बंद सुधा भारद्वाज अब जल्द रिहा हो जाएंगी। आज उन्हें NIA की स्पेशल अदालत में पेश किया गया, जिसमें अदालत ने उनका बेल ऑर्डर लिखा और जमानत की शर्तें भी बताई। इससे पहले कल मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने सुधा भारद्वाज की जमानत की चुनौती देने वाली NIA की याचिका को खारिज कर दिया था। सुधा के वकील ने NIA कोर्ट में आज बुधवार को याचिका दायर की थी कि सुधा भारद्वाज को फिलहाल कैश पर बेल दी जाए और बाकी सिक्योरिटी जमा कराने के लिए 2 महीने का समय दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा था कि सुधा को महाराष्ट्र में, हरियाणा में उनके घर और छत्तीसगढ़, जहाँ वो काम करती हैं, ट्रैवल करने की इजाज़त दी जाए। NIA कोर्ट ने कैश बेल पर हामी भर दी और बाकी सिक्योरिटीज़ के लिए 1.5 महीने का समय दिया है, मगर महाराष्ट्र के बाहर जाने की इजाज़त कोर्ट ने नहीं दी है। इसके अलावा जमानत की शर्तें के मुताबिक सुधा इस मामले के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हैं और उनसे मिलने सितारों के अलावा ज़्यादा लोग नहीं आ सकते हैं। 3.5 साल जेल में बंद रहने के बाद सुधा इस हफ्ते भयाकला जेल से बाहर आ सकती हैं। 2022 की वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में आर्थिक तौर पर असमानता बढ़ रही है, यानी कि अमीर और अमीर हो रहा है और जो अमीर गरीब के बीच की खाई है वो गहरी होती जा रही है। यही नहीं, देश में बढ़ती गरीबी और संभ्रांत लोगों की बढ़ती तादाद के चलते भारत दुनिया के सबसे असमान देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। रिपोर्ट में खास तौर पर कोरोना काल का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि इस दौरान अमीरों की आय तेज़ी से बढ़ी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के 1% सबसे अमीर लोगों के पास देश के 33% संपत्ति है। वहीं इनकम की बात करें तो देश के 57% इनकम 10% लोगों के पास है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में एडल्ट्स की औसत इनकम 2,04,000 रुपये है, मगर 50% से नीचे के एडल्ट्स की औसतन आय सिर्फ 60,000 रुपये के आसपास है। अमीर और गरीब के इस अंतर की वजह पता लगाने के लिए किसी को मुश्किल नहीं होनी चाहिए और देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी और सबसे बड़े राज्य में बढ़ती भुखमरी के आंकड़े सामने ही हैं। इस आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव से जोड़कर देखा जाए, काफ़ी मुमकिन है कि ये आंकड़े जनता के मुद्दे बन सकते हैं। अंत में देखते हैं कोरोना अपडेट। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। देश में अब ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर 23 हो गए हैं। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज बुधवार 8 दिसंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में कोरोना के करीब 8,400 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 195 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इस बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 9,500 लोगों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में करीब 1,200 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 3,46,00,000 से ज़्यादा हो गई है, जिनमें से अब तक करीब 4,73,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना पीड़ित
3,40,00,000 से ज़्यादा मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संख्या घटकर लगभग 93,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक लगभग 159,54,00,000 डोज दी जा चुकी है, जिसमें से 73,00,000 के करीब वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटे में ही दी गई है। आज के डेली राउंड में बस इतना ही। अन्य खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।